हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल करियर टेक फंडा में। मैं खुशबू, और आज की जो अपडेट निकल कर आ रही है वो आरआरसी की तरफ से निकल कर आ रही है। नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे जयपुर रीजन से जो है ये वैकेंसी निकल कर आ रही है। जनरल डिपार्टमेंट कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन JDCE के अंडर में ये वैकेंसी निकल कर आ रही है। यहाँ पर मैं आपको दोस्तों बता दूँ, जनरल डिपार्टमेंट कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन के अंडर में जो वैकेंसी आती है वो जो है एम्प्लॉयज़ के लिए, जो रेलवे में पहले से ही एम्प्लॉई हैं ग्रुप सी ग्रुप डी एम्प्लॉयज़ जो होते हैं उनके लिए ये जो है एग्ज़ाम कराता है रेलवे, उनके लिए ये वैकेंसी होती है। ठीक है, तो यहाँ पे जो पहले से ही वर्किंग होते हैं एम्प्लॉयज़ उनके लिए ये इंटरनल एग्ज़ाम कराता है JDCE। ठीक है, आगे हम बात कर लेते हैं कौन कौन से कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ऑल रेगुलर ग्रुप सी और फर्स्ट वाइल ग्रुप डी एम्प्लॉयज़ ऑफ नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे एक्सक्लूडिंग RPF RPSF एम्प्लॉयज़ फुलफिलिंग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में अप्लाई। ठीक है, ग्रुप सी और ग्रुप डी के जो एम्प्लॉयज़ हैं नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे के, वही एम्प्लॉयज़ यहाँ पर इसको अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, जो आपकी ओपनिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन ओपन होगा वो होगा 7 अप्रैल को ओपन होगा, और इसकी लास्ट डेट क्या होने वाली है, 6 मई इसकी लास्ट डेट, यानी टोटल आपको 1 मंथ का समय मिलने वाला है। आगे हम यहाँ पर बात कर लेते हैं पोस्ट की, तो यहाँ पर असिस्टेंट लोको पायलट की पोस्ट है। ठीक, ग्रेड पे लेवल आपका क्या होने वाला है, लेवल 2 का ग्रेड पे होने वाला है, यानी 19,900 से 19,900 से आपका 63,200 रुपये यहाँ पर पे लेवल आपका हो जाएगा। वैकेंसीज़ की बात कर लें तो जनरल के लिए 120 सीट, SC के लिए 36 सीट, ST के लिए 18 सीट, OBC के लिए 64, यानी टोटल ओवरऑल सीट्स की बात कर ली जाए तो यहाँ पर 238 सीट यहाँ पर ओवरऑल निकली हुई है। क्वालिफिकेशन की अगर हम बात करें तो यहाँ पर 10th आपका पास होना चाहिए। ठीक, ITI विथ अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट आपके पास होनी चाहिए। ट्रेड अगर कौन कौन सी यहाँ पर एलिजिबल है, ट्रेड फिटर, इलेक्ट्रीशियन, इंस्ट्रूमेंटेशन मैकेनिक, ठीक, मेंटेनेंस मशीन मैकेनिक, रेडियो एंड टीवी, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक, मैकेनिक मोटर व्हीकल, वायरमैन, ट्रैक्टर मैकेनिक, आर्मेचर कॉइल वाइंडर एंड मैकेनिक डीजल एंड हीट इंजन, यानी यहाँ पर टोटल 19 ट्रेड जो हैं ITI के वो यहाँ पर एप्लीकेबल हैं फॉर्म फिल करने के लिए। अगर आपके पास ITI नहीं है, आपने डिप्लोमा कर रखा है, तो डिप्लोमा के लिए मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग जो है यहाँ पर फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो यहाँ पर काफ़ी अच्छी वैकेंसी निकली हुई है जो पहले से वर्किंग ग्रुप सी और ग्रुप डी के एम्प्लॉयज़ हैं, और काफ़ी अच्छी पोस्ट भी है यहाँ पर। ठीक है, और क्राइटेरिया जो लगाया गया है उसके अकॉर्डिंग आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल है यहाँ पर। ठीक है, तो अगर आप अप्लाई करते हैं तो आपका प्रमोशन पक्का है, आप यहाँ से लोको पायलट बन सकते हैं और अच्छे ग्रेड पे लेवल पे आप जा सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात कर लें एज लिमिट की, ठीक है, एज लिमिट आपका यहाँ पर अपर एज लिमिट 42 रखा गया है जनरल कैंडिडेट्स के लिए, और 45 ईयर OBC कैंडिडेट के लिए, और 47 ईयर SC ST कैंडिडेट के लिए यहाँ पर एज लिमिट रखी गई है। एप्लीकेशन फ़ी की बात करें तो यहाँ पर कोई भी एप्लीकेशन फ़ी नहीं लगने वाली है। ठीक है, यहाँ पर किसी भी प्रकार का एप्लीकेशन फ़ी नहीं मांगा गया है। आगे अगर हम बात कर लें, एप्लीकेशन क्लोजिंग डेट आपको बता ही दिया है मैंने पहले ही, 6 मई जो है आपका एप्लीकेशन लास्ट डेट होगी। आगे आप इस फॉर्म को जो है
www.rrcjaipur.in की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाके इस फॉर्म को आप फिल कर सकते हैं, ठीक है। बाकी यहाँ पर मेडिकल फिटनेस की बात की गई है, ठीक। द कैंडिडेट इम्पैनल इन GDCE फॉर द पोस्ट असिस्टेंट लोको पायलट विल हैव पास द रिक्वेसाइट्स मेडिकल फिटनेस, ठीक है। यहाँ पर रेलवे की तरफ से जो मेडिकल फिटनेस है वो बहुत ही स्ट्रिक्ट रूल होता है, तो आप ये सारी नोटिफिकेशन में देखकर जो है फॉर्म को फिल करिएगा, ठीक। रिक्रूटमेंट प्रोसेस की अगर हम बात करें तो द रिक्रूटमेंट प्रोसेस शैल कंप्रेसिस ऑफ अ कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, यानी CBT एग्ज़ाम होगा, रिटन एग्जामिनेशन फॉलोड बाय एप्टीट्यूड टेस्ट, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड मेडिकल एग्ज़ाम। पहले आपका CBT रिटन एग्ज़ाम होगा, देन आपका अगर उसमें आप क्वालिफाई होते हैं तो आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा, देन आपका मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। स्टैंडर्ड ऑफ एग्जामिनेशन शैल बी लाइक दैट द डायरेक्ट रिक्रूटमेंट कंडक्टेड बाई RRB। RRB जैसे अपना डायरेक्ट रिक्रूटमेंट करता है एग्ज़ाम, वैसा ही एकदम होने वाला है। CBT रिटन एग्जामिनेशन विल बी कंडक्टेड इन सिंगल और टू स्टेजेस, ठीक है। सिंगल स्टेज आपका रिटन एग्ज़ाम भी हो सकता है और टू स्टेज भी आपका रिटन एग्ज़ाम हो सकता है। द सिलेक्शन विल बी मेड स्ट्रिक्टली एज पर मेरिट, ठीक है। सिलेक्शन किसके बेस पे होगा, जो मेरिट आएगी रिटन एग्ज़ाम की उसके बेस पे आपको शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा और फिर आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा, जहाँ पर आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया जाएगा, ठीक है। CBT रिटन एग्जामिनेशन विल हैव मल्टीपल चॉइस टाइप क्वेश्चन, ठीक है। यहाँ पर MCQ टाइप क्वेश्चन आपके पास होंगे। देयर शैल बी नेगेटिव मार्किंग इन रिटन एग्जामिनेशन एंड 1/3 ऑफ द अलॉटेड मार्क्स, ठीक है। यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग भी आपकी की जा रही है और नेगेटिव मार्किंग बहुत ही खतरनाक होती है रेलवे की। 1/3 यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग आपकी होगी। नेक्स्ट अगर हम बात कर ले, द एम्प्लॉयज अंडर GDCE विल हैव टू पास एप्टीट्यूड टेस्ट, ठीक है। GDCE के अंडर में जो ये वैकेंसी निकली गई है इसमें एप्टीट्यूड टेस्ट आपको पास करना होगा। द सिलेक्टेड एम्प्लॉयज अंडर GDCE विल हैव टू पास प्रिस्क्राइब्ड ट्रेनिंग कोर्स ऑफ 17 वीक्स, ठीक है। जिन एम्प्लॉयज़ का सिलेक्शन होगा यहाँ पर उनको 17 वीक्स के लिए RRB अपने ट्रेनिंग कोर्स में रखेगी, ठीक है। प्रियर टू अपॉइंटमेंट टू द पोस्ट फॉर विच दे आर सेलेक्टेड, फिर यहाँ पर जिस पोस्ट के लिए आपका सिलेक्शन हुआ है वहाँ पर आपको अपॉइंटमेंट कर दिया जाएगा, ठीक है। ग्रेड पे लेवल आपको यहाँ पर मैंने पहले ही बता दिया, लेवल 2 की जो है ग्रेड पे होने वाली है 19,900 रुपये। मोड ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म, यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म का मोड जो है ऑनलाइन होगा, जिसे आप www.rrcjaipur की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर फॉर्म को फिल कर सकते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पर स्टेप्स दिए गए हैं ऑनलाइन एप्लीकेशन के रजिस्ट्रेशन के लिए, ठीक है। यहाँ पर न्यू रजिस्ट्रेशन पर जाकर आप क्लिक करिएगा, देन फिल नेम, कम्युनिटी, DOB, एम्प्लॉई ID, मोबाइल नंबर, ईमेल ID वगैरह सब आप फिल करके यहाँ पर फॉर्म को फिल कर सकते हैं। अब यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स, इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स की बात कर लिया जाए। डॉक्यूमेंट आपको क्या क्या अपलोड करने होंगे, फोटोग्राफ अपलोड करना होगा, ठीक है। यहाँ पर साइज़ वगैरह दे रखा है, उसको आप नोटिफिकेशन में देख लीजिएगा। सिग्नेचर, लेफ्ट हैंड थंब इम्प्रेशन आपका होना चाहिए, ठीक है, लेफ्ट हैंड थंब इम्प्रेशन। और फिर एम्प्लॉई सर्टिफिकेट, ये मेन डॉक्यूमेंट आपका है, एम्प्लॉई सर्टिफिकेट यहाँ पर लगाना होगा आपको। इसके बाद आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, ठीक है। यहाँ पर जितनी भी इम्पोर्टेंट चीज़ें थी मैंने सारी बता दी है।
तो ग्रुप सी और डी के जो इम्प्लॉयज़ होते हैं उनको प्रमोशन की आस होती है, तो उनके लिए एक बड़ी खुशखबरी है, बड़ी ही न्यूज़ है। तो यहाँ पर पोस्ट भी काफ़ी अच्छी है, तो आप लोग ज़रूर अप्लाई कीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।